वेलकम टू ये पंकज 98 एजुकेशन। दोस्तों आज मैं लेके आ गया बहुत ही बड़ी वैकेंसी के बारे में, जो आप अपने गांव में यानी अपने घर पे रह के अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। अभी भारत सरकार द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे कोई भी फेक न्यूज नहीं है, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। सरकारी जेल पर वैकेंसी आ चुकी है और आज ही वैकेंसी आई है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, एक एक स्टेप को देखिएगा, कैसे क्या करना है, क्या होगा, सारा डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि नए प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल पे जाना और वहां पे टाइप करना सिंपल से सरकारी रिजल्ट। जैसे आप सरकारी रिजल्ट टाइप करेंगे आपके सामने मेन इंटरफेस आ जाएगा, आप अपने फोन में कर सकते हैं। बिल्कुल सरकारी रिजल्ट पे आप क्लिक करिए। आपको पता है कि आप ऑफिशियल साइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ ये नहीं कि किसी ने साइट को बनाया है, गवर्नमेंट की साइट है, आपको पता है। सरकारी रिजल्ट आप इसमें जाएंगे लेटेस्ट जॉब की तरफ। कहाँ पे जाएंगे? लेटेस्ट जॉब। लेटेस्ट जॉब में जाएंगे तो आप देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट लॉ क्लर्क रिक्वायरमेंट के नीचे है यूपी पंचायत सहायक रिक्वायरमेंट 2021। आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि यूपी पंचायत की वैकेंसी दिखा रही है, आप इस पर सिंपल से क्लिक कर दीजिए। सिंपल क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा इसका थोड़ा सा इंटरफेस। मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कि क्या क्या है इसमें चीज़ें। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पहली बार चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पोस्ट डेट 27 जुलाई 2021 9:15 AM पे हुआ है। 27 जुलाई को पोस्ट अपडेट भी हुआ है। आप यहाँ पे उत्तर पंचायत राज डिपार्टमेंट का है, ठीक है, ग्राम के अंतर्गत यह वैकेंसी आई है। यहाँ पे ऐड आ रहा है, मैं ऐड को थोड़ा सा हटाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, क्या क्या वैकेंसी का, मैं यहाँ पे डिटेल दिखाता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन फी यहाँ पे जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो SC ST पीएच कुछ भी हो, सब कुछ क्या यहाँ पे 0 रुपये फीस है। एप्लीकेशन बिगिन 2/8/2021 फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट अप्लाई ऑन 17/8/2021। बहुत ही कम डेट यहाँ पे मिला गया है आपको। मेरिट लिस्ट 24-21 अगस्त 2021 को आ जाएगी, यानी मेरिट पे होने वाली वैकेंसी है। और इसका नोटिफिकेशन हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड हम लोग को ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा है यार, सरकारी जेल पे भी ऐड आना चालू हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे टोटल पोस्ट क्या है, पंचायत सहायक आपको देख सकते हैं कितनी एलिजिबिलिटी है। मस्ट बी डिसाइड ऑफ द सम ग्राम पंचायत फ्रॉम वियर इज द अपियरिंग 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया, ठीक है। आप किसी भी बोर्ड से आप यहाँ पे पास होने चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। बाकी आप नीचे आएंगे तो और आपको चीज़ मिलेगी, हाउ द फिल फॉर्म के बारे में मिलेगा, क्या क्या डिटेल है, और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, डाउनलोड नोटिफिकेशन आप कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पे, जैसे क्लिक करें तो आपके सामने कुछ PDF डाउनलोड होगा और PDF आपके सामने यहाँ पे धीरे धीरे खुलना शुरू हो चुका है। यहाँ पर देखिए आ गया है, प्रेषक मनोज कुमार सिंह जी हैं, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश। यहाँ पे देखिए दिया गया समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ दिनांक 25 जुलाई 2021, यहाँ पे पंचायती अनुभाग 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए विशेष ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना विषयक, ठीक है, यह जो है ग्राम सचिवालय की वैकेंसी है, यह प्रधान के अंतर्गत। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतों जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, परंतु प्रदेश में अभी तक ग्राम पंचायतों अपना कार्यालय महत्वपूर्ण योजनाओं ग्राम पंचायतों के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित होती है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हैं, उत्तर प्रदेश 78% आबादी, यह पूरा डिटेल आप पढ़िए क्या क्या है इसमें, कैसे कैसे है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा 3 माह के अंदर। यहाँ पे एक एक चीज, अगर आपको और कुछ चीजें अगर जो जरूरी लगता है मैं उसको भी बता दूंगा। क्वालिफिकेशन या कंप्यूटर डिग्री के अंतर्गत क्या मांगा है, अगर मिलता है तो मैं आपको जरूर पढ़ के दिखाता हूँ। यहाँ पे वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को। यहाँ पे देखिए दिया पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु अर्हताएं। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी। पंचायत सहायक अकाउंटेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 जुलाई 2018 को 18
तथा अधिकतम आयु यानी 1 जुलाई को आपका 18 साल हो जाना चाहिए, अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष छूट दी जाएगी। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी भी होना चाहिए। आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि पंचायत राज अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो पंचायत की जिस श्रेणी में लिए आरक्षित है उन्हीं पंचायतों उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा। अर्थात जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है उन्हें अनुसूचित जाति का, जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जनजाति के है तो वहाँ अनुसूचित जनजाति, तथा जिन पंचायतों के प्रधान व पद अनुसूचित जनजाति महिला अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति महिला व महिला का आरक्षित वहाँ उसी श्रेणी की महिला अभ्यर्थी चयनित कर पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त की जाएगी। आपको यह चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे साफ साफ इसने क्लियर कर दिया कि जिस ग्राम सभा में आप हैं, आप जिस ग्राम सभा के निवासी हैं, आप उसी ग्राम सभा के लिए इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल में और आपके यहाँ जो ग्राम प्रधान की सीट यानी जो ग्राम प्रधान बने हैं एससी एसटी के, तो आप नहीं चयनित होंगे, वो वही लोग चयनित होंगे जिस कैटेगरी के वहाँ के प्रधान होंगे। साफ साफ इसमें लिख दिया गया है, छूट क्या होगी मैंने वो भी बता दिया है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको आप थोड़े अच्छे से पढ़ेंगे तो सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके यहाँ जनरल है सीट यानी जनरल प्रधान है तो आप एससी एसटी का आपका चयनित नहीं होगा, अगर एससी एसटी के हैं प्रधान तो जनरल का चयनित नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी चीज़ें जो है आप इसको जरूर आप पढ़िएगा एक बार, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक शेयर करिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।